YouTube के अनुसार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्योतिष संधान केंद्र में आपके प्रश्नों का जवाब जान सकते इसलिए पहले सब्सक्राइब करें व कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखें। अपने दैनिक राशिफल जन्म कुंडली निर्माण वर कन्या की जन्म कुंडली मिलान एवं जीवन की समस्याओं के बारे में जानने के लिए संपर्क करें सब्सक्राइब ज्योतिष समाधान केंद्र। ओम तत्सत। मीन राशि वालों के लिए सप्ताह कैसा रहेगा? दिनांक 24 से और 30 जनवरी के मध्य 2021 में सप्ताह कैसा रहेगा मीन राशि वाले? मीन राशि का स्वामी होता है गुरु। गुरु जो है इस समय आपके एकादशे सर्वलाभम लाभ स्थान पर चल रहे हैं, लेकिन समस्या ये है लाभ स्थान पर है लेकिन नीच राशि के हैं। यद्यपि नीच भंग राजयोग जरूर बन रहा है लेकिन नीच राशि का प्रभाव मुझे मीन राशि वालों को दिख रहा है। यानी कहीं न कहीं सब कुछ अच्छा होते और अचानक ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। मीन राशि होने से आपकी राशि पर ही चल रहे हैं और जहां गुरु बैठते हैं वहां चिंता कारक हैं, तो मीन राशि वालों के लिए थोड़ी चिंता कारक रहेंगे क्योंकि गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ चिंताकारक होते हैं, शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ पूर्ति करते हैं। तो ग्यारहवें घर में यानी लाभ भाव में गुरु हैं तो लाभ की चिंता आपको बराबर बरकरार बनी रहेगी इस सप्ताह में। लेकिन यही गुरुदेव आपके पंचम दृष्टि से आपको कहाँ देख रहे हैं? नौवीं दृष्टि से पत्नी को देख रहे हैं। पत्नी आपका सब कुछ सलाह देने वाली रहेगी, उपदेश देती है, आप मान नहीं करते, लेकिन पत्नी का उपदेश उनकी सलाह उतना उनका जो विचार है आपके लिए अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों के लिए भी ठीक रहेगा और संतान के पक्ष के लिए भी ठीक रहेगा। इस प्रकार से ग्यारहवें गुरु बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। केवल चिंता आपको मीन राशि वालों को रहेगी, बाकी दृष्टि के कारण बहुत ही अच्छा फल देंगे। शनिदेव जो है वो जो है सो आपके मीन राशि वालों के लिए ठीक ठीक है, लेकिन शनिदेव की जो दृष्टि है वो खराब होती है। तो मीन राशि पर अपनी राशि पर ही चल रहे हैं और अपनी राशि पर जब शनि चल रहे हैं तो आपकी मीन राशि है तो लग्न में चल रहे हैं, पराक्रम ढीला रहेगा, छोटे भाई बहनों कष्टदायक होगा, पिता को कष्टकारक रहेंगे और पत्नी के लिए भी थोड़ा कष्टप्रद रहेंगे। राहु देव की स्थिति क्या है? राहु आपके तीसरे हैं। तीसरे राहु त्रिघट एकादशे राहु त्रिघट एकादशे शनि इस संपूर्ण अरिष्टों को नाश करके लक्ष्मी योग बना रहे हैं। रोग और शत्रु अपने आप विनाश करने वाले होंगे। मंगल देव आपके राशि से दूसरे हैं। दूसरे मंगल धन कुटुंब में बैठे हुए हैं, धन में कुटुंब में भाई से विवाद करा रहे हैं, धन से संबंधित भाई भाइयों से विवाद हो रहा है, इसका थोड़ा विशेष इस सप्ताह ध्यान देना है, भाइयों से विवाद ना हो। सूर्य देव आपकी राशि अभी मकर पर चल रहे हैं और आपकी राशि से एकादशे सर्वलाभम बुध लाभप्रद हैं, सूर्य लाभप्रद हैं, शनि लाभप्रद हैं और गुरु भी लाभप्रद हैं। लेकिन सूर्य आपके लिए लाभप्रद कैसे हैं? शासन पक्ष से रुके काम सब दूर हो पूरे हो जाएंगे। जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको लाभान्वित होंगे, जो तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी उनको फल मिलेगा अच्छा। ये बहुत अच्छा सप्ताह आपके लिए बीतने वाला है। बुधदेव वो भी लाभ में है, व्यापार अच्छा लाभप्रद होगा, कोई सा भी व्यापार कर रहे हैं आपको अच्छी लाभ की स्थिति बनेगी, तो व्यापार अच्छा रहेगा। और नौवें मीन राशि पर गुरु इस समय धनु राशि पर चल रहे हैं। धनु मकर कुंभ और मीन चतुर्थी यानी दशम भाव में कर्म क्षेत्र में गुरु चल रहे हैं, मतलब ये इस समय शुक्रदेव चल रहे हैं और गुरु आपके एकादश हो गए, बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं। चंद्रदेव वृषभ राशि पर हैं, मीन मेघ वृक तीसरे तृतीय धन संपत्ति 24 और 25 तारीख को धन संपत्ति का स्थायित्व योग है और चतुर्थे कलहागमा
26 और 27 तारीख को कलह की वातावरण बनेगा, विवाद हो सकता है, नुकसान हो सकता है, सावधानी से काम करें। तृतीय धन संपय चतुर्थे करहागमा पंचमे ज्ञान वृद्धि चय, 27 और 28 तारीख को ज्ञान वृद्धि का योग है, पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट के लिए उत्तम है, सब प्रकार से चारों मंगलकारी होंगे और मित्र मिलन होगा। 29 और 30 तारीख को यही जो चंद्रदेव हैं वो कहाँ रहेंगे, चंद्रदेव जो है सो जो है बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं और इस समय चंद्रदेव की स्थिति अच्छी होने से आपका चंद्रमा मन का कारक होता है, इसलिए मन का कारक चंद्रमा आपके देखिए शरीर और मन राशि आपकी जो है सो चंद्रमा की होती है और लग्न जो होती है आपके शरीर की होती है। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि हम कौन सी राशि पढ़ें, लग्न की देखें कि चंद्रमा की देखें जो राशि है, तो दोनों प्रकार की राशि देखना चाहिए, दोनों में घटित होता है। जो राशि भविष्य हम बोलते हैं जिसकी लग्न है उसको भी घटित होगा और राशि जिसकी है उसको भी घटित होगा, दोनों के लिए घटित होता है। इसलिए आपकी लग्न है तो भी देख लिया करो, सुन लिया करें, वो भी कुछ परसेंट घटता है और राशि से तो पूरा 100% घटता है, 80% लग्न के ऊपर भी घटित होता है। इस प्रकार से मीन राशि वाले व्यक्ति मंगलकारी हो और उनका सप्ताह अच्छा बीते। हरिओम।